नहर में जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सांकेतिक तालाबंदी की गई। इस दौरान उन्होंने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश के सभी जनपद पंचायतों में तालाबंदी की जाएगी। नहर में सांकेतिक तालाबंदी को लेकर जनपद उपाध्यक्ष विकास त्रिपाठी ने बताया कि प्रत्येक जनपद सदस्य को परफॉर्मेंस राशि 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाए, जनपद सदस्य की शिक्षा निधि 50 लाख रुपए प्रतिवर्ष दी जाए, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करते हुए जनपद सदस्यों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए जाएं एवं पंचायत के सभी कार्यों का अनुमोदन का अधिकार हो। उन्होंने कहा, कार्य पूर्ण होने के अंतिम में जनपद सदस्य का अनुमोदन का अधिकार व अन्य मांगों को लेकर मैहर के जनपद में भी तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया गया है और यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले वक्त में प्रदेश के जनपद पंचायतों में तालाबंदी की जाएगी। वहीं इस दौरान जनपद अध्यक्ष व जनपद उपाध्यक्ष सहित सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 26 दिसंबर को हम लोगों ने ये निर्णय लिया था, मुख्यमंत्री महोदय को अपना पूरे मध्य प्रदेश का डेलीगेट ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के तहत हम लोगों ने 13 तारीख को सभी जनपद में अपना पूरा ज्ञापन पुनः रिमाइंडर करके दिया है कि हमारी मांगे अगर यदि पूरी नहीं होती है, जो हम 1 बिंदु से लेके और 6 बिंदु तक मांग किए हैं, ये पूरी बिंदुओं में यदि मांग नहीं होती तो हम 15 तारीख तक इसका इंतजार करेंगे। 15 के बाद पुनः हम 16 तारीख को समस्त मध्य प्रदेश के जनपद पंचायत कार्यालय में अपन तालाबंदी करने का निर्णय लिया है। आज का धरना तालाबंदी जनपद का सांकेतिक है। अगर हमारी मांगे मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते तो आने वाले समय में पूरा जनपद संगठन मध्य प्रदेश इकट्ठा होकर सभी जनपद कार्यालय का परमानेंट ताला बंद कर दिया जाएगा। हम लोग वही अधिकार के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हम भी कोई 5 गांव, कोई 6 गांव, कोई 7 गांव का नेतृत्व करते हैं और हमारे पास वो अधिकार नहीं है। हमें जनता ने चुन के भेजा है तो लोगों की अपेक्षाएं भी हैं, इसीलिए तो हम ये सब अपनी मांगे रख रहे हैं सरकार के सामने। बस मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारी जो ये मांगे हैं, हम भी 5-7 गांव का नेतृत्व करते हैं तो हमें भी जो उचित हमारी जायज मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।